परेशान थे। ऐसी परिस्थिति में जो विधायक चुन के आए, उनकी बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि जनता के हित के काम करना, तो उनकी अपेक्षा है कि हम मंत्री बन जाए, जनता के ज़्यादा काम कर सकें। लेकिन जो मंत्री नहीं बने, उनके सम्मान की भी कोई कमी नहीं की जाएगी और उनके क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य किया जाएगा, वो चिंता नहीं करें। बाकी जब इतने साल में चुन के आए, संघर्ष करके आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने तन मन प्रशासन और धन से काम किया, उससे जीत के आए, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, इसलिए वो कहीं कहीं प्रयास करके काम नहीं करते। शासकीय सेवकों को आरएसएस की शाखा में जाने पर प्रतिबंध लगाया। देखिए, एक बात है, शासकीय सेवकों को खुद समझना चाहिए कि किसकी शाखा में जाए, किसकी में जाए, वो अलग बात है। लेकिन देश का एक ही सिद्धांत है कि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है। आज देश ने जो तरक्की की है, देश की जो आज़ादी मिली है, और देश में, इस देश में सुई से लेकर साइकिल तक नहीं बनती थी, उस देश में आज सुई से लेकर मिसाइल बन रही है, हवाई जहाज बन रहे हैं, समुद्री बेड़े बन रहे हैं, पैकेट पास बन रहे हैं। आप समझो, ये देश ने इतनी तरक्की की है तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर की है। तो भाजपा भ्रम फैलाती है, भ्रम फैलाने से काम नहीं चलेगा। देश को एकजुट करने और देश में धर्मनिरपेक्षता लाने से ही काम होगा, उनका भ्रम तोड़ देंगे। और ये इस बात का प्रमाण है कि 15 साल बाद हो गए, और आप विश्वास कीजिए 2019 में फिर कांग्रेस लौट के आएगी और देश की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या टारगेट है एमपी में? निश्चित ही हमारा एक ही टारगेट है, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री।